कृष्ण के ब्लॉग में आपको स्वागत है। आज मैं करने को जा रहा हूँ शीर्षासन हेड स्टैंड, ठीक है ना। हेड स्टैंड करने को जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कैसे करने का है, आपको सिखाऊंगा। और ये जो शीर्षासन का बहुत सारे फायदे हैं, एक तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, और जिसका माइग्रेन का प्रॉब्लम है और जिसका सर दर्द का प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं, उसके लिए बहुत लाभदायक है। तो और भी बहुत कुछ फायदे हैं, वो बताने को जाएगा बहुत टाइम लगेगा, तो सब आप देख लेना। और जो नहीं करना चाहिए वो भी थोड़ा सुनिए, जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो मत कीजिए, जिसका नेक इधर गले में प्रॉब्लम रहता है, इधर दर्द होता है वो भी मत कीजिए, और जिसका बैक पेन में प्रॉब्लम रहता है वो भी ये करने से बचे, ठीक है ना। और आपको अनुरोध है कि जो नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शीर्षासन करने से पहले आपको क्या ध्यान देने का है, आपको ये ध्यान देने का है कि आपको चोट ना आए, पहले गले पे चोट ना आए, किधर आप गिर ना जाए, इसके लिए पहले पूरा शेप भी साथ में आपको शीर्षासन करना है, सीखना है पहले, जब सीखेंगे तो पहले हाथ को ऐसा ला दिए, ऐसा ये अपने हेड को अपना सर को ऐसा पकड़िए, ऐसा तो क्या होता है ये आपको हिलेगा ना, ऐसे भी कभी करते हैं, ऐसा ऐसे भी कभी करते हैं, तो इसमें क्या है ये सर ये पूरा अकेला रहता है, इसकी वजह से इसमें चोट आ सकता है, इसका आपका गले पे चोट आ सकता है, इसके लिए ये शेप नहीं माना जाता है, आपको शेप हिसाब में करना है, तो ऐसा करना, उसके बाद ऐसा करना है, उसके बाद ऐसा, ये शेप, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, दीवार का सहारा लेना चाहिए, दीवार है ना, सहारा जो इधर साइड में ले लेंगे, देख सकते हैं ऐसे करके इसको ऐसे पकड़िए, तो आदमी आराम से नीचे उतर दें। ये मेरा ये कैसा उठाता हूँ वो देखिए आप।